गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में हम लोगों ने, अगर हम लास्ट क्लास की बात करेंगे तो अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था कोर डेटा का जो पहला सब क्लासेस है। एक तो हमने इसमें पढ़ लिया यूरो कोर डेटा और दूसरा पढ़ लिया सिपेलो कोर डेटा, मतलब प्रोटो कोर डेटा हम कवर कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। तो वर्टिब्रेटा को हमें आज पढ़ना है, और जैसा कि अगर हम इसके वर्टिब्रेटा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिब्रेटा के अंदर जो हमारे एनिमल्स आते हैं इनके अंदर नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रिप्लेस हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें यही बोल सकते हैं, इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में द नोटोकोर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इनमें नोटोकोर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। और फिर इस सब फाइलम को, जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इसको फिर दो ग्रुप के अंदर, दो डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो हम क्लासिफिकेशन के अंदर उस डिवीजन को पढ़ ही चुके हैं कि भाई वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इंटू टू डिवीजन, इन्हें दो डिवीजन में बांटा गया। और वो कौन से हैं? पहला है एग्नेथा, और दूसरा है ग्नेथो स्टोमेटा। अगर जो एग्नेथा की बात करेंगे, फिर हम आज हम एग्नेथा को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एग्नेथा। एग्नेथा की अगर बात करें तो इसमें जो एनिमल्स आते हैं इनके अंदर जॉ एब्सेंट होता है। तो हम लिख देते हैं दीज आर जॉलेस, इनमें माउथ में जॉ नहीं होता, जॉलेस होते हैं। और एग्नेथा को, एग्नेथा की दो क्लासेस हैं, इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, इसको दो क्लासेस में बांटा गया है। पहला है पोस्ट ट्रैकोडर्मी, पोस्ट ट्रैकोडर्मी, और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो स्टोमेटा। सबसे पहले हम पोस्ट ट्रैकोडर्मी की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं नंबर वन, पोस्ट ट्रैकोडर्मी। तो अगर जो पोस्ट ट्रैकोडर्मी की बात करेंगे तो इसके जितने भी मेंबर हैं वो अब नहीं देखे जाते, ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं ऑल दी
members of this class were extinct. ये सब extinct कर चुके हैं, ठीक है? तो बस यही इसमें पॉइंट समझना है कि इसके सारे मेंबर एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। इसका एक एग्जांपल आप याद करके रखेंगे, ये भी एक्सटिंक्ट कर गया है, और ये है सिफिलिस, सिफिलिस ये भी एक्सटिंक्ट कर चुका है, ठीक है? ये फिशेस की तरह होते थे, फ्रेश वाटर फिशेस हम इन्हें बोलते, तो ये सब एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। अब सेकंड हम शुरू करेंगे साइक्लोस्टोमेटा। तो आप सभी लोग यहां तक इसको नोट करें और फिर हम शुरू करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। सर डन। ओके ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ये साइक्लोस्टोमेटा, इसकी बात करेंगे। हर्षित बोलिए। सर ये एक्सटिंक्ट कैसे हुए, नेचुरली या फिर? नेचुरली नेचुरली। सेकंड हमारे पास आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर भी जॉलेस फिशेस आती हैं। इसमें They include jawless fishes, ठीक है? इसके अलावा आगे अगर देखेंगे तो ये जो है साइक्लोस्टोमेटा, ये मैराइन भी हो सकते हैं, लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। तो ये कैसे होते हैं, दे आर मैराइन, मैराइन मतलब समुद्र के पानी में देखे जाएंगे, बट दे माइग्रेट इनटू फ्रेश वाटर, लेकिन ये फ्रेश वाटर के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद इनकी फिर डेथ हो जाएगी। मतलब मैराइन में रहेंगे, फिर माइग्रेट करेंगे फ्रेश वाटर के अंदर, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे और फिर इनकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, दूसरे फिशेस के ऊपर रह के उनसे न्यूट्रिशन लेती हैं ये, और ये स्केवेंजर की तरह काम करती हैं। मतलब जो भी वेस्टेज होता है उस सबको ये कंज्यूम कर जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दे आर एक्टोपैरासाइट, ये एक्टोपैरासाइट है एंड एक्ट एज स्केवेंजर, और ये स्केवेंजर की तरह काम करती है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे इसमें, तो इनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स देखे जाते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे के पोर्शन में कॉर्डेट्स के अंदर, कि इनके अंदर फेरिंजियल गिल्स होते हैं। तो कितने गिल्स होते हैं इनमें, तो इनमें 6 to 15 गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि दे हैव 6 to 15 गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। इनमें रेस्पिरेशन के लिए 6 से 15 गिल्स देखे जाते हैं, जिनके थ्रू क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करेगा। इसके अलावा इनका जो माउथ होता है वो सकिंग टाइप होता है। सकिंग माउथ क्यों होगा, क्योंकि भाई टीथ तो है ही, इनमें जॉ तो है ही नहीं, जॉ नहीं होगा टीथ भी नहीं होगा, तो इनमें सकिंग टाइप माउथ होता है। माउथ इज सकिंग टाइप एंड सर्कुलर इन शेप, सकिंग टाइप होता है और सर्कुलर होता है। सर्कुलर शेप का माउथ होता है। इसके अलावा इनके अंदर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है।
दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लो करता है, और इनका जो हार्ट अगर आप देखेंगे तो हार्ट इनका टू चैम्बर होता है, हार्ट इज टू चैम्बर। और इनके हार्ट में ना देखो टू चैम्बर कैसे होगा, मैं यहाँ एक आपको बना के दिखाता हूँ। बाकी ये जो हार्ट टू चैम्बर थ्री चैम्बर हार्ट है ना, ये हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जैसे ये हुआ, ये तो हो गया फर्स्ट चैम्बर, हो गया सेकंड चैम्बर, ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला वेंट्रिकल और ये हो गया इसका एट्रियम। तो ये हो गया टू चैम्बर हार्ट। तो इस तरह से इसमें टू चैम्बर हार्ट है, बट इनका जो हार्ट है टू चैम्बर तो है, और हम एक बात बोल सकते हैं हार्ट इज वीनस टाइप, या इसको बोल सकते हैं हम लोग वीनस हार्ट। और वीनस हार्ट का मतलब समझ लीजिए आप क्या होता है, वीनस हार्ट का मतलब होता है इन दिस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प, जिस हार्ट में सिर्फ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करे ऐसा हार्ट कहलाता है वीनस हार्ट। तो इनका हार्ट वीनस टाइप होता है, वीनस टाइप होने का मतलब है कि इनके अंदर सिर्फ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करता है, ठीक है। तो ऐसे हार्ट को बोलते हैं हम लोग वीनस हार्ट। तो टू चैम्बर है और वीनस हार्ट है, वीनस का मतलब कि इनके हार्ट में सिर्फ और सिर्फ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहे ब्लड में, इसे बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम रहे वो कहलाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन अगर कम रहेगी तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होने का मतलब है कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है इनके ब्लड में वो ज्यादा है। ये क्या करेगा, हार्ट से ब्लड सीधा पंप कर देगा बॉडी के अंदर, वेसल्स में चला जाएगा, और वहां पर फिर गिल्स के थ्रू इसमें क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, मतलब बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो गिल्स के थ्रू आएगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हो गई कुछ जनरल पॉइंट हमने स्टार्टिंग के पढ़ लिए इसके, इनको आप नोट करिए फिर हम आगे समझते हैं कुछ पॉइंट और। एक्सक्रीशन पोर्शन देखते हैं इनका कि इनमें एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। तो चलिए, आई होप यू ऑल डन, आप सभी ने ये लिख लिया होगा, और अगर आपको किसी को कोई डाउट है इसमें वीनस हार्ट क्या होता है। जी हर्षित बोलिए। सर ये साइक्लोस्टोमीटर जो नाम है सर, हाँ इसमें सर इसका नाम के मीनिंग बताओ ना सर। सर्कुलर स्टोमेटा क्या है ना, स्टोमेटा तो ये तो टर्म दी गई है सी, इसमें क्या है जो सर माउथ है वो सर्कुलर पोर्शन पोर्शन में देखा गया है, मतलब सर्कुलर है इसलिए इसको बोला गया साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर होता है ना, माउथ अगर देखेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में रहेगा इसलिए साइक्लोस्टोमेटा बोला। चलिए ये हमने नोट कर लिया है, अब हम लोग आगे समझते हैं इनमें एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। तो अगर जो इनमें एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो एक्सक्रीशन के लिए इसमें किडनी होती है, तो परफॉर्म एक्सक्रीशन बाय किडनी। देखिए अब किडनी भी ना कई तरह की हो सकती है, जैसे प्रोटोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक हो सकती है, मेटानेफ्रिक हो सकती है, ये सारी बातें हम लोग एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में कवर करेंगे कि आपकी प्रोटोनेफ्रिक किडनी क्या होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी क्या होती है, मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है, वहां पर हम इसको डिटेल में करेंगे। तो
तो एक्सक्रीशन यहाँ देख लेते हैं कि इसमें एक्सक्रीशन जो है वो किडनी के द्वारा होगा। दूसरी बात, इनके अंदर ना थ्री आईज होती हैं, तीन आईज होती हैं इनके पास, तो दे हैव थ्री आईज। एक तो बिल्कुल बीच में रहेगी मिडिल में, और दो आईज इनकी लेटर होती हैं, साइड में रहती हैं। थ्री आईज होती हैं, तो हम इसमें बोल सकते हैं वन इज इन मीडियल मीडियन एंड टू आर लेटरल। दो मीडियन है, एक मीडियन है, मीडियन मतलब बीच में है, और दो जो है वो साइड के साइड में है, तो तीन आई होती है। इसके अलावा इनमें जो नोज की ओपनिंग होती है, जो नोस्ट्रिल होता है, वो एक ही होता है। तो दे हैव ओनली वन नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल का मतलब है नेजल ओपनिंग, एक ही होती है इनके अंदर, और क्योंकि एक ही नोस्ट्रिल है तो इसको बोलते हैं मोनोराइनस। मोनोराइनस, आपसे ये टर्म पूछ सकता है मोनोराइनस कंडीशन किसमें देखी जाती है, तो ये टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर इंटरनल ईयर देखा जाता है, और उस इंटरनल ईयर के अंदर एक या फिर दो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। इन द इंटरनल ईयर दे हैव वन या फिर टू सेमी सर्कुलर कैनाल। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये होती हैं फॉर बैलेंसिंग के लिए, फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। ये बॉडी को ना बैलेंस करके रखती है, और बॉडी को बैलेंस करने का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्टेटो रिसेप्टर। ठीक है, स्टेटो रिसेप्टर बोलते हैं कि इनके अंदर ये स्टेटो रिसेप्टर की तरह काम करता है, मतलब बॉडी को बैलेंस बना के रखता है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारे एनिमल्स हैं, यानी कि जो साइक्लोस्टोमेटा में एनिमल्स आ रहे हैं, ये सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो दे आर यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी के ऊपर एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, और इसमें लार्वा नहीं बनते, लार्वा आर नॉट फॉर्म, लार्वा नहीं बनते, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, तो यहां लिखते हैं ब्रैकेट में एक्सेप्ट एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा बनते हैं, और ये किसमें देखे जाते हैं, इन लैम्प्रे के, ये लैम्प्रे में देखे जाते हैं, लैम्प्रे में, या फिर इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन जो फिश है साइक्लोस्टोमेटा में जो आती है, ये लार्वा प्रोड्यूस करता है, बाकी और कोई लार्वा प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका साइक्लोस्टोमेटा। इसके अगर आप एग्जांपल देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा के, तो एग्जांपल में एक तो यही आ जाएगा आपके पास लैम्प्रे, दो ही एग्जांपल पढ़ेंगे जो हमें याद रखने हैं, और दूसरा है हैज फिश, लैम्प्रे और हैज फिश। ठीक है, हैज फिश की खास बात क्या है, हैज फिश खास बात यह है कि जो इसके लिप है वो रिंकल्ड होते हैं, लिप्स आर रिंकल्ड लाइक ओल्ड वुमेन, लाइक ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन के लिप्स की तरह इसके लिप्स कैसे होते हैं, रिंकल्ड रहते हैं, और इन्हीं लिप्स की हेल्प से ये दूसरे फिशेस के गिल्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है,
और उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो ये हमने पढ़ लिए साइक्लोस्टोमेटा। तो इन दोनों सेकंड एग्जांपल बोलना एक बार। हैज फिश, एच ए जी फिश, हैज फिश। हैज फिश के जो लिप्स हैं ये रिंकल्ड होते हैं और इन्हीं लिप्स की मदद से ये दूसरे फिश के गिल्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और वहां से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमने कवर कर लिया हमारा कंप्लीट एग्नेथा। एग्नेथा के हमने दोनों कैटेगरी पढ़ ली, ओस्टेकोडर्मी भी देख लिया और साइक्लोस्टोमेटा भी समझ लिया। अब एग्नेथा के बाद हम लोग चलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा की तरफ। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। चलिए इसको रब कर देते हैं और ग्नेथोस्टोमेटा की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। और ग्नेथोस्टोमेटा में हमारी जो सबसे पहली कैटेगरी आती है, जो सबसे पहली सुपर क्लास आती है, वो है पिस्किस। तो फर्स्ट है पिस्किस। पिस्किस की अगर बात करेंगे तो पिस्किस में हमारे जितनी भी ट्रू फिशेस हैं वो सारी पिस्किस में आती हैं। तो दे इंक्लूड ऑल ट्रू फिशेस, इसमें सारी ट्रू फिशेस आएंगी। दूसरी बात, पिस्किस में अगर आप देखेंगे तो ये जो पिस्किस हैं इनकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं इक्थायोलॉजी या इक्थायोलॉजी स्टडी। यस प्रीति बोलिए। ट्रू फिशेस क्या होता है? ट्रू फिशेस, ट्रू फिशेस का मतलब जिनके अंदर फिश की सारी प्रॉपर्टी देखी जाए। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ना साइक्लोस्टोमेटा, उसके अंदर भी फिशेस आ रही थी, बट उनके अंदर फिशेस की सारी प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे उनके अंदर स्केलेटन नहीं देखा जाएगा आपको, जैसे कार्टिलेजिनस या बोनी स्केलेटन अच्छे से नहीं देखेगा उनके अंदर, आपको फिन्स देखने को नहीं मिलेंगे, उनके अंदर आपको टीथ देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो एक ट्रू फिश में, या एक फिश में जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वेल डेवलप के अंदर, वो सारी प्रॉपर्टी पिस्किस में देखी जाती हैं, साइक्लोस्टोमेटा में नहीं देखी जाती, इसलिए इनको ट्रू फिशेस बोलते हैं। और जो फिशेस की स्टडी है इसको बोलते हैं, स्टडी इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे एनिमल्स आते हैं फिशेस में, जितनी भी फिशेस आती हैं, ये सब कोल्ड ब्लडेड होती हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को एक टर्म दिया गया है और वो है पाओकिलोथर्मी या पोई किलो थर्मस। ये पोई किलो थर्मस, थर्मस बोल सकता है, थर्मी बोल सकता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इसका मतलब समझिए। ये पूछता है बहुत कि पोई किलो थर्म कौन कौन से हैं, उसका आपको मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले, पोई किलो थर्म होते क्या हैं। तो पोई किलो थर्म या कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, जैसा टेम्परेचर एनवायरमेंट का होगा बाहर, वैसा ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी हो जाएगा। तो ये अपने आप से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। जैसे हम अपनी बात करें, अगर ह्यूमंस की बात करें, तो बाहर चाहे टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया है, लेकिन हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर अपने आप हमारी बॉडी मेंटेन करती है। कैसे करती है?
भाई अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में परस्पायरेशन बढ़ जाएगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, पसीना आने लगेगा हमें, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है जो कि होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस वो मेंटेन रहता है। अगर मान लीजिए बाहर टेम्परेचर बहुत कम हो गया 24 डिग्री हो गया है या 18 डिग्री हो गया है तो भी हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। और कैसे मेंटेन करके रखेगी, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसे बोलते हैं शिवरिंग। शिवरिंग एक तरीके की एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं हम लोग कांपना, ये एक तरीके की एक्सरसाइज है जिससे क्या होगा जब बॉडी पार्ट मूव करेंगे तो मूव करने की वजह से उनमें हीट डेवलप होगी और इससे हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। ये हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन होना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपरली चल सके। लेकिन अगर हम इन एनिमल्स की बात करेंगे तो इन एनिमल्स में इनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ये खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, तभी हमने ये टर्म लिखी है कि दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, ये एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। कि भाई जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ठंडे एरिया के अंदर जाते हैं ताकि इनका टेम्परेचर जो है वो लो डाउन हो सके। टेम्परेचर जब गिरता है तो ये गर्म एरिया की तरफ यानी कि सनलाइट की तरफ आते हैं ताकि इनका टेम्परेचर बॉडी का रेज हो सके बढ़। ठीक है, तो ये खुद से तो मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब इनकी बॉडी अपने आप टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर रही है, इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड या फिर पोई किलोथर्मी या पोई किलोथर्मस एनिमल बोला जाता है। ठीक है जी, अब देखिए ये बात हमने समझ ली। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं जो पिस्किस में जितने भी एनिमल्स आते हैं ये ज्यादातर कैसे होते हैं, ये सारे एक्वेटिक होते हैं, दे आर, हम यह बोल सकते हैं कि दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक है और एक्वेटिक में कैसे हो सकते हैं, मैराइन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जो फिस्किस हैं इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग देखी जाती है और जो कवरिंग इनकी बॉडी पे देखी जा रही है उसे बोलते हैं डर्मल स्केल। तो हम कहेंगे कि दे हैव एन कवरिंग ओवर बॉडी, इनकी बॉडी पे कवरिंग है कॉल्ड डर्मल स्केल। इनकी बॉडी पे कवरिंग देखी जाती है इसे डर्मल स्केल बोलते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो कैटफिश होती है, अगर जो हम कैटफिश की बात करें, कैटफिश में आपका आ जाएगा टॉरपेडो हो गया और वेलगोनिया हो गया फिशेस, इनमें जो डर्मल स्केल है वो बहुत कम हो, बहुत ही लेस होती है, स्मॉलर साइज की होती है, बहुत रिड्यूस रहेगी। तो एक्सेप्शन लिख देते हैं इनके अंदर, कैटफिश एक हो गया आपका, कौन सा एक हो गया आपका टॉरपेडो, टॉरपेडो हो गया और एक वेलेगोनिया हो गया। इनमें क्या होता है, इनके अंदर स्केल इज लेस या फिर रिड्यूस्ड, इनमें स्केल लेस होती है या हम बोल सकते हैं रिड्यूस होती है। इसके अलावा अगर इनकी बॉडी की बात करेंगे तो इनकी बॉडी जो है वो लॉन्ग होती है और बोट शेप होती है, इस तरह से होती है पीछे से बोट की तरह ऐसे, तो लॉन्ग रहेगी बॉडी और बोट शेप होती है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं देयर बॉडी इज लॉन्ग एंड बोट शेप, बॉडी लॉन्ग है और बोट शेप है और इसके तीन पार्ट होते हैं, हैज थ्री पार्ट्स, इनकी बॉडी के तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, हेड, हेड होता है, दूसरा ट्रंक होता है, तीसरा टेल होता है।
हेड ट्रंक और टेल तीन पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करें और इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि इनके अंदर लोकोमोशन के लिए क्या देखा जाता है। जी हर्षित बोलिए सर। थर्ड पॉइंट एक बार दोबारा समझाना। हाँ ये वाला कि एक थर्ड पॉइंट ये जिसमें कोल्ड ब्लडेड वाला। नो सर, दे आर कवरिंग ओवर बॉडी। अच्छा अच्छा, इनकी अगर बॉडी की बात करेंगे ना हम, तो इनकी बॉडी के ऊपर जैसे हमारी बॉडी पे स्किन होता है उसी तरह इनकी बॉडी के ऊपर भी एक कवरिंग देखी जाती है और उस कवरिंग को बोलते हैं डर्मल स्केल। ठीक है, और ये डर्मल स्केल किस में नहीं होता या किस में बहुत रिड्यूस होता है, तो कैटफिश में, टॉरपेडो में और वेलोगोनिया, इनके अंदर ये डर्मल स्केल बहुत ही रिड्यूस होता है, मतलब लेस होता है, बहुत कम होता है। डर्मल स्केल से आपने ऐसे देखा होगा जैसे फिश होते हैं ना, फिश कई लोग जो फिश खाते हैं तो क्या करते हैं, मछली को जब आप देखोगे इस तरीके से, मान लीजिए फिश को कट किया है, तो फिश के ऊपर आप देखेंगे एक ऐसे ब्लैक कलर की ना, यहाँ पर ये बाहर ये ब्लैक कलर की कवरिंग होती है लेयर, ये बोलते हैं स्केल। इसका काम होता है प्रोटेक्शन, या फिर इसको ना स्मूथनेस प्रोवाइड कराती है फिश की सरफेस को। जब वो मैराइन वाटर में रहेगी जहाँ पर सॉल्टी कंडीशन भी है, तो वहां पर इसकी स्किन को उस एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये स्किन। बोलिए हर्षित, क्या कह रहे थे आप? ये जो ये कैटफिश, टॉरपेडो, वेलोगोनिया, ये ग्नेथोस्टोमेटा है। हाँ ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा इसके अंदर स्केल वगैरह की, बॉडी की हमने बात कर ली। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इनके अंदर लोकोमोशन के लिए फिन्स देखे जाते हैं। दे हैव पेयर्ड फिन्स, इनमें पेयर्ड फिन्स होते हैं जो किस लिए होते हैं, ये होते हैं फॉर स्विमिंग के लिए। पेयर्ड फिन्स होते हैं इनके अंदर स्विमिंग के लिए, और ये पेयर्ड फिन्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं पेक्टोरल, पेक्टोरल जो इनके हेड रीजन से नीचे देखे जाते हैं, ये कहाँ होते हैं, नियर हेड रीजन, और दूसरे होते हैं इनके अंदर पेल्विक। पेल्विक जो है ये ट्रंक से नीचे देखे जाएंगे, अबव द टेल। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं नियर ट्रंक। तो एक तो हो गया पेक्टोरल फिन्स, दूसरा हो गया पेल्विक फिन्स। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो इनके अंदर दो फिन्स और होते हैं जो कि अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। ये तो पेयर्ड होते हैं, इसके अलावा इनमें अनपेयर्ड विंग। हाँ हर्षित बोलो। हाँ सॉरी प्रीति बोलिए। सर पेल्विक के बाद क्या लिखा है ये? नियर ट्रंक। क्या होता है ये? ट्रंक जो होता है हेड के नीचे वाला पोर्शन, जैसे हमारी बॉडी में एब्डोमेन होता है, इनकी बॉडी में एब्डोमेन थोरैक्स नहीं है, इनमें सिर्फ ट्रंक देखा जाता है। जैसे ये फिश हो गई ना, ये तो हेड रीजन हो गया, हेड रीजन के बाद का जो ये सारा रीजन रहेगा ये ट्रंक कहलाएगा, और इसके बाद ये होगी इसके अंदर टेल। ये हेड हो गया, ये पूरा ट्रंक हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये टेल हो गई। इसके अलावा एक तो इसमें पेयर्ड विंग, पेयर्ड फिन्स हो गए, और इसमें क्या होते हैं, दे हैव अनपेयर्ड फिन्स। इनमें अनपेयर्ड फिन्स यानी कि सिंगल भी देखे जाते हैं, और अनपेयर्ड फिन्स कहाँ होते हैं? अनपेयर्ड फिन्स में एक तो होता है इनके बॉडी में मिड डोर्सल पे, यानी कि एक तो यहाँ पर रहेगा इस तरीके से, जब आप फिश को देखेंगे तो आपको ना, जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको फिश का, ये मान लीजिए हेड हो गया फिश का, और ये हो गया इसका ट्रंक वाला पार्ट, और ये हो गया इसका टेल। तो इसमें एक तो ये देखा जाएगा, इस तरफ रहेगा एक फिन्स यहाँ पर, एक उस साइड में होगा,
ठीक है, तो ये पेयर्ड फिन्स हो गए, एक पेयर्ड फिन्स पेल्विक रीजन में होंगे, यहाँ पे एक इधर हो गया एक इस साइड में हो गया, तो ये होगा पेक्टोरल फिन्स, ये होगा पेल्विक फिन्स, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया पेक्टोरल फिन्स जो कि पेयर में होंगे, और ये हो गए पेल्विक फिन्स, ये भी किसमें होंगे, पेयर में होंगे, ठीक है। अब देखो इसके अलावा इसमें अनपेयर्ड विंग होते हैं, फिन्स होते हैं, एक तो यहाँ रहता है ये जो ऊपर की तरफ दिखाई देगा आपको, इसी को बोलेंगे हम लोग जो कि ये कहलाएगा मिड डॉर्सल फिन, मिड डॉर्सल फिन, और एक पीछे की तरफ रहेगा यहाँ पर जो हमने टेल बनाई है ना इसके ऊपर हम ये फिन्स बना देते हैं, एक ये रहेगा पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग, ये कहलाता है आपका कॉडल फिन, कॉडल फिन। तो अगर जो आपसे पूछे कि भाई इसमें टोटल कितने फिन्स देखे जाते हैं, तो आप बोल दोगे कि वन पेयर ये, फोर तो ये हो गए और टू ये, सिक्स, तो टोटल इसके अंदर सिक्स विंग फिन्स होते हैं, जिसमें दो होते हैं पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स में वन पेयर रहेगा पेक्टोरल का, वन पेयर रहेगा पेल्विक का, और दो होंगे इसके अंदर अनपेयर्ड फिन्स। अनपेयर्ड में कौन कौन सा रहेगा, एक तो रहेगा मिड डॉर्सल फिन और दूसरा रहेगा कॉडल फिन, और इनका काम क्या है फिन्स का, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, इस मछली के तैरने में हेल्प करते हैं। अगर इनमें हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल देखेंगे तो इसमें टू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल या बोलेंगे वन पेयर नोस्ट्रिल देखे जाते हैं, तो दे हैव टू नोस्ट्रिल्स, और दो नोस्ट्रिल हैं तो इनको टर्म दिया गया है डायराइनस, क्योंकि इनमें दो नोस्ट्रिल देखे जाते हैं इसलिए इनमें डायराइनस कंडीशन देखी जाती है, इनके अंदर नोज की जो ओपनिंग है वो दो ओपनिंग होती है। इसके अलावा इनमें एक्सटर्नल और मिडल ईयर तो होता ही नहीं है, इनके अंदर सिर्फ इंटरनल ईयर देखा जाता है, तो हम यहां लिख सकते हैं दे हैव इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर क्या काम करता है इनमें, ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है, तो ये होता है फॉर बैलेंसिंग के लिए, और बैलेंसिंग के लिए क्या बोलते हैं हमने टर्म क्या दिया था, अभी लास्ट पढ़ा था हमने इससे पहले, स्टेटो रिसेप्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें रेस्पिरेशन देखेंगे तो रेस्पिरेशन होता है इसमें गिल्स के द्वारा, रेस्पिरेशन बाय गिल्स के थ्रू होगा, और इसके गिल्स जो हैं ये इनके ऊपर ये नेक्ड भी हो सकते हैं, मतलब जैसे इस तरह से है यहाँ पर ये गिल्स देखे जा रहे हैं, ये गिल्स ऐसे भी हो सकते हैं नेक्ड के, इनके ऊपर कोई कवरिंग ना हो, और इनके ऊपर एक कवरिंग भी देखी जा सकती है, ये कवर्ड भी हो सकते हैं, और जिस स्ट्रक्चर से ये कवर रहेंगे उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑपरकुलम, ऑपरकुलम। तो एक पॉइंट लिखिए आप यहाँ पर गिल्स के बाद, जैसे हमने लिखा है रेस्पिरेशन बाय गिल्स, इसके बाद एक पॉइंट लिखें, गिल्स मे बी नेक्ड, गिल्स मे बी नेक्ड और मे बी कवर्ड, गिल्स मे बी नेक्ड और मे बी कवर्ड बाय एन कवरिंग, बाय एन कवरिंग कॉल्ड ओपरकुलम। तो गिल्स इनके नेक्ड भी हो सकते हैं और ओपरकुलम भी, यानी के कवर्ड भी हो सकते हैं, और कवर्ड किस पे रहेंगे, जी सही पॉइंट दोबारा बोलना, हाँ लिखिए, गिल्स मे बी नेक्ड, गिल्स मे बी नेक्ड और मे बी कवर्ड
may be covered by an covering called operculum ठीक है। अब हम इनके हर्ट की अगर बात करें तो जो हर्ट होता है फिशेस का वो टू चैम्बर होता है, तो देखिए अगर जो हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट इज टू चैम्बर, सेम जैसा उसमें था, और टू चैम्बर है और कैसा है, वीनस हार्ट है, मतलब वही ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इनके अंदर अगर सर्कुलेशन देखेंगे तो कैसा रहेगा, अगर इनकी हम बात करेंगे इनमें सिर्फ इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है और इनमें सिंगल सर्कुलेशन देखा जाता है, सिंगल सर्कुलेशन ऑब्जर्व। ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जब ब्लड जो पंप हो रहा है हार्ट से वो सिर्फ एक ही बार पंप हो तो इस तरह का सर्कुलेशन कहलाता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। इसके अलावा इनकी अगर हम आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी में न्यूक्लियस देखा जाता है, तो जो आरबीसी होती है इस किसकी आरबीसी आर न्यूक्लियट, आरबीसी में न्यूक्लियस देखा जाता है। और अगर हम इनके स्कल को देखेंगे तो इनके स्कल में एक ही ओसिपिटल कॉन्डाइल होता है, तो इन देयर स्कल ओनली वन ओसिपिटल कॉन्डाइल, इसलिए इनको बोलते हैं मोनो या फिर यूनिकॉन्डाइलर। देखो ये जो है ना ओसिपिटल कॉन्डाइल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी इसको हम लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। जो हमारा स्कल है अगर हम ह्यूमन की बात करें तो स्कल के अंदर देखा जाता है क्रेनियम, क्रेनियम जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्रेनियम हमारा 8 बोन से मिलके बना हुआ है जिसमें एक बोन है सबसे पीछे वाली जो बोन होती है, ये पीछे वाले हेड में होती है, इसे बोलते हैं ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल बोन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये जो बोनी स्ट्रक्चर देखी जाती है इन्हें बोलते हैं कॉन्डाइलर या ओसिपिटल कॉन्डाइलर। हमारे हेड में ये 2 होती हैं, जबकि फिशेस के अंदर ये एक ही बोन होती है सिर्फ, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इनका जो स्कल है वो यूनिकॉन्डाइलर या मोनोकॉन्डाइलर है क्योंकि उसमें एक ही ओसिपिटल कॉन्डाइल देखी जाती है, तो ओनली वन आएगा यहाँ, ओनली वन ओसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। तो इनमें एक ही ओसिपिटल कॉन्डाइल देखा जाता है इसलिए इसको बोलते हैं यूनिकॉन्डाइलर। और अगर क्रेनियम से निकलने वाली जो रब्स नर्व होती हैं वो कितनी होती है इनमें, तो इनमें 10 क्रेनियल या 10 पेयर क्रेनियल नर्व देखी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, दे हैव 10 पेयर क्रेनियल नर्व, इनमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व देखी जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आगे देखें हम तो इनकी जो किडनी है इनके अंदर किडनी देखी जाती है एक्सक्रीशन के लिए, और एक्सक्रीशन दे हैव किडनी, एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर किडनी देखी जाएगी। और इनके अंदर कुछ सेंसरी सिस्टम होते हैं जो कि सेंसेशन का काम करते हैं, तो दे हैव लैटरल सेंसरी सिस्टम, इनकी बॉडी में लैटरल सेंसरी सिस्टम होते हैं
जो कि एनवायरमेंटल सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा ये जो फिशेस होती हैं ये कैसी होती हैं, ये यूनिसेक्सुअल होती हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल और इनमें फर्टिलाइजेशन दोनों तरह से होता है, दे शो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा ठीक है, ये हो गई सारी बातें। एक पॉइंट और हम यहाँ समझ लेते हैं कि इसमें ना फिशेस में आपके पास ऐसी आती हैं फिशेस जिनके अंदर जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, तो उन्हें बोलते हैं कार्टिलेजनेस फिशेस, और कुछ वो होती हैं जिनमें स्केलेटन बोन्स का बना हुआ है उन्हें बोलते हैं बोनी फिशेस। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो कार्टिलेजनेस फिशेस में तो होता है यूरिया, तो ये नोट करके हम लिख लेते हैं, इन कार्टिलेजिनस फिशेस वेस्ट वेस्ट इज यूरिया, ये यूरिया रिलीज करते हैं। जबकि अगर जो हम बोनी फिशेस की बात करें, बोनी फिशेस एक्सक्रीट करते हैं क्या, एक्सक्रीट ट्राई मिथाइल अमाइड ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल अमाइन या अमीन ऑक्साइड। और एक नोट आप और लिख लीजिए कि जितनी भी जो फिशेस फ्रेश वाटर में देखी जा रही हैं वो एक्सक्रीट करती हैं अमोनिया, फ्रेश वाटर फिशेस एक्सक्रीट अमोनिया, जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने किस किस का जनरल बातें पढ़ ली। फिशेस की हमारे पास तीन क्लासेस आती हैं, एक आता है प्लैकोडर्मी, दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्टाइल, तीसरा आता है ऑस्टिकाइल। ठीक है, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, तो यहाँ तक करके रखिए और अच्छे से पढ़ के रखिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ कम है, लगता है बच्चे जो है आए नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।